और किसी को करना है, एक आधे बंदा और करना चाह रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं तो अनस्टेबल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उस डाल देना भाई जिन लोगों का अनस्टेबल आ रहा है नेटवर्क, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ए टी कर्व, एरिया अंडर ए एक्सेलरेशन टाइम। ऊपर वाला हो गया, नहीं सिर्फ चाहिए पर ठीक है। तो मेजर मेजर तो इतने से काम बन जाएगा, समझ में आ गया सबको, सही है। डेफिनेशन को पकड़ो, डेफिनेशन देखो क्या है, फी इज इक्वल टू डीएक्स बाई डी टी। डीएक्स बाई डी टी मतलब स्लोप, डीवाई बाई डीएक्स क्या बताता है, वाई एक्स ग्राफ में स्लोप। तो यहां पर एक्स और टी का अगर मैं स्लोप निकालूंगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो डीवी बाई डी टी क्या होता है, वीटी ग्राफ में स्लोप क्या आएगा, वीटी ग्राफ में डीवी अपॉन डी टी, और डीवी अपॉन डी टी क्या डिफाइन है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद एरिया वाला क्या करना है, इधर को भेज दो, इधर को भेजो, ठीक है। रटना नहीं है, सब लॉजिकल है, देखो जरा रटते हैं जनरली बच्चे इसको रटते हैं, लेकिन आपको जितना मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है, डिफरेंशिएशन में स्लोप बता रखा है, क्या स्लोप रिप्रेजेंट करता है, तो वही चीज है, उसी को लिख रखा है। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। हाँ, वी फाइनल माइनस वी निशत। अब ये थ्योरी है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, एक आधे क्वेश्चन कराऊंगा ना, समझ गया सर। ठीक है। क्वेश्चन से पूरा क्लियर कट आइडिया लग जाएगा आपको। देखो सबसे ज्यादा काम का ग्राफ होता है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के फायदे हैं क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप भी काम का है, वीटी ग्राफ का स्लोप भी काम का है, वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सप्रेशन देता है, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर भी काम का है, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर भी काम का है और डिस्प्लेसमेंट देगा आपको। एचटी ग्राफ का खाली स्लोप काम का है, एरिया कुछ नहीं होता भाई। एरिया अंडर एचटी ग्राफ क्या होगा, एक्स डीटी का इंटीग्रेशन। यार एक्स डी टी तो कोई क्वांटिटी नहीं है, ये तो कोई क्वांटिटी नहीं होती यार, ठीक है। डीए अपॉन डी टी, डीए अपॉन डी टी क्या होता है, डीए अपॉन डी टी इसको पता है क्या, डीए अपॉन डी टी झटका, जर्क जो होता है, जर्क जो तो डिफाइन होता है वो ये होता है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है ना, वो आपकी स्टडी में नहीं है आपका, तो इसलिए ये भी हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए बस इतना ही काम का। चलो क्वेश्चन करते हैं, मिटा रहा हूं मैं पहला वाला। अब देखो जैसे कि आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपका वी वर्सेस टी ग्राफ है दो ही ग्राफ होते हैं क्या? या तीन ग्राफ बना सकते हो आप बहुत सारे ग्राफ बना सकते हो। अच्छा तीन है, वेलोसिटी एक्स और एक्सेलरेशन, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, नाइन नाइन नहीं आएंगे भाई, क्या हो जाएगा, वीटी हो जाएगा तीन वी ना, सॉरी चार है ना, V है, सॉरी पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, टाइम भी है आपका। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में कि 12th में, सही हो गया शायद 11th, हो गया तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्कूल में हो गया, स्कूल में हो गया। हाँ तो 4C2, 4C2 अगर याद होगा आपको तो काम कर लोगे, कितना होता है 4C2, सॉरी 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल,
4P2 ना ना 4C2 तो आएगा, हाँ 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 आ जाएंगे, 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। चलो छोड़ो लाल अभी देखते हैं। देखो मान लो VT कर्व आपको ऐसा देखता है, ये है, ये है और फिर ये दे रखा है आपको, ठीक है, ऐसे करके VT कर्व दे रखा है, ये 5, ये 10, ये 15, ठीक है, और ये चलते जा रहा है ग्राफ, ये ग्राफ चलते जा रहा है, ठीक है, ये लोकेशन आपको दे रखी है, ये चीज दे रखी है आपको, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम की एक्सिस जो चल रही है वो सेकंड के हिसाब से है, टाइम की एक्सिस सेकंड के हिसाब से है, और ये वाली दे रखी है आपको मान लो 10 दे रखी है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, ये सेम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब आपको बताना है, इसको एनालाइज करना है, इसको एनालाइज करना है, इसमें कहेगा फाइंड एक्सेलरेशन एट t is equal to one second, ठीक है, t is equal to 7 second, t is equal to 5 second, t is equal to 12 second, t is equal to 20 second, ठीक है। पहला पार्ट तो ये है आपका, इसको करना है सॉल्व। दूसरा है देखो इसको ढंग से देखना, हाँ इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपसे कहेगा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड as well as displacement between time interval, between time interval, पहला दे रखा आपको जीरो से लेके टेन सेकेंड, दूसरा दे रखा आपको फाइव टू फिफ्टीन सेकेंड, तीसरा दे रखा है आपको फाइव टू इज इक्वल टू लेट्स से 25 सेकेंड, ठीक है, और आखिरी दे रखा है t is equal to 25 second, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। लिखो इसको फटाफट, लिखो भाई सबके सब लिखो, और ट्राई कर लो, चलो ट्राई कर लो। चलो देखो,
ठीक है। सबसे पहले पार्ट में क्या है, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या डिफाइन होता है, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, डीवी अपॉन डीटी से, यानी स्लोप। ग्राफ का क्या है, ग्राफ को हमेशा देखा करो, y एक्सिस में v प्लॉट है, x एक्सिस में t प्लॉट है। इसका स्लोप मतलब, इसका स्लोप मतलब डीवी अपॉन डीटी, और डीवी अपॉन डीटी डिफाइन होता है एक्सेलरेशन। देखो यहां से लेके यहां तक, जीरो से लेके पांच सेकंड तक, जीरो से लेके पांच सेकंड तक स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं है, जीरो से लेके पांच सेकंड तक स्लोप कांस्टेंट है। तो जीरो से लेके पांच सेकंड में, जीरो से लेके पांच सेकंड में, जीरो टू फाइव सेकंड ऐसे लिख लेते हैं, हाँ, जीरो टू फाइव सेकंड में एक्सेलरेशन जो आएगा आपका, इसका स्लोप कैसे निकलेगा पता है, इसका स्लोप निकालना कैसे निकलेगा, दिस स्लोप पता है आपको, सबको पता है स्लोप की डेफिनेशन, tan थीटा, इसका tan थीटा याद आ रहा कुछ, तो दिस अपॉन दिस tan थीटा, tan थीटा, tan अपॉन 5, tan थीटा होता था तो 10 अपॉन 5 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 0 से 5 सेकंड के बीच में जो भी आएगा, 1 सेकंड हो चाहे 2 सेकंड हो चाहे 0.5 सेकंड हो, आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत, नो सर। 7 सेकंड पर आ जाओ, 7 सेकंड यहां कहीं लाइक करेगा, 10/5 tan थीटा होता है कि नहीं होता, स्लोप कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है 10 है, ये कितना है 5 है, हां सर। इसमें बताओ 5 से लेके 10 के बीच में स्लोप कितना है, 5 टू 10 के बीच में स्लोप 0 0 5 टू 10 के बीच में स्लोप 0 हॉरिजॉन्टल हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस आ गया, ठीक है, मतलब t के पैरेलल आ गया, यहां पर पूरे में स्लोप क्या चल रहा है 0। तो 5 टू 10 में अगर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन आपका आएगा 0, क्योंकि स्लोप 0 हो चुका है, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, स्लोप, स्लोप ऑफ vt कर्व, ठीक है, मेरे ख्याल से समझदार हो। 5 सेकंड पर क्या होगा, अच्छा 5 सेकंड पर क्या होगा, 20 सेकंड हटाओ, देखो याद रखना, जब भी ऐसा कॉर्नर मिलेगा, ठीक है, यहां पर आप आंसर नहीं बता सकते, क्यों, स्लोप क्या होता है, कैसे होता है, ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यहां पर तो टेंजेंट यही आ जाएगी, यहां पर टेंजेंट यह आ जाएगी, इस कॉर्नर पर जब भी ऐसा कॉर्नर मिलेगा वहां पर इंफानाइट टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। कभी भी आपसे कॉर्नर पर उसने क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, यहां पर नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पर स्लोप निकालना पॉसिबल नहीं है, वो कॉर्नर आ गया, कॉर्नर पर डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं होता। अगर ग्राफ में कॉर्नर मिलते हैं तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं होता। अरे यार टेंजेंट कितने आ जाएंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट टेंजेंट आ जाएंगे ऐसे ऐसे करके, है ना, तो नॉट डिफाइंड आता है। अच्छा 12 सेकंड पर देखो, 10 के आगे जाओगे, 10 सेकंड के आगे जाते हो, 10 सेकंड के आगे पूरे में क्या है, स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है पूरा रास्ता। देखो एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, तो स्लोप चाहे यहां का निकाल लो, यहां से यहां तक निकालो, या यहां से यहां निकालो, पूरे पाथ में 10 सेकंड के बाद आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो अगर हम 10 सेकंड के आगे की बात करें, ई ग्रेटर देन 10 सेकंड की बात करें, तो स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप कितना आ गया, स्लोप कितना आ जाएगा बताओ, स्लोप कितना निकल के आ जाएगा, इसका स्लोप जरा ध्यान देना, ये वाला, इसको अल्फा बोल दो, तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा बताओ भाई, 180 माइनस अल्फा, हाँ, या फिर एक काम करना, माइनस का 10 अल्फा लिख दिया करो, याद आता है, बताया था कभी ऐसे में, क्योंकि आपको पता है स्लोप नेगेटिव आने वाला है, याला एंगल मेजर करो छोटा वाला, क्योंकि स्लोप तो ये होना चाहिए कायदे से, ये वाला tan थीटा, तो आप उल्टा मेजर कर लिया करो, क्योंकि ये मेजर करना आसान है, समझेगा कैसे कि थीटा मतलब वो वाला साइड है,
अरे थीटा अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज। हां सर याद आया, याद आया कुछ? कायदे से टेन थीटा होता है स्लोप, लेकिन अगर आप ये वाला मेजर कर रहे हो ठीक है, 180 tan थीटा होता ना, थीटा को क्या लिख दोगे 180 माइनस अल्फा, tan 180 माइनस अल्फा माइनस का tan अल्फा बन जाएगा। तो देख लो भाई, अब यहाँ पर यार जहाँ पढ़ाया था अब याद रखो उस चीज को, अरे बार बार फिर वही चीजें पूछोगे, माइनस का tan अल्फा, tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा कितना हो गया दिस अपॉन दिस, ये कितना है 10, ये कितना है 5, माइनस का 10 अपॉन 5 यानी माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 12 सेकंड के लिए भी माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 सेकंड वाला जो था उसके लिए भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि पूरे रास्ते में स्लोप कांस्टेंट है, पूरे रास्ते में स्लोप कांस्टेंट है। अरे आ गई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो पहला पार्ट मिटा दूं मैं, लिख लो इसको, लिखो फटाफट लिखो, तो इसके बाद हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। आप दोबारा ग्राफ बना लेना भले ही। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए दोबारा ग्राफ बना लेना। अरे किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई अभी भी। आकांक्षा समझ में आया तुम्हें? गायब। तेजस। यस सर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। बता दिया करो भाई, ठीक है। चलो पहला वाला मिटा दूं, ठीक है, पहला पार्ट मिटा देता हूं, दूसरा पार्ट करते हैं। आप लोग दोबारा से कर बना लेना इसको, ठीक है, रफ टाइप का कर बना लेना, क्योंकि मैं तो इसी में सॉल्व करूंगा इसको। चलो देखो, हो गया ना सबका? लास्ट वाले का भी आंसर यही आएगा, लास्ट वाले का भी आंसर यही आएगा निकल के। ये हो गया आपका। चलो देखो, अब हमें एंगलों से कोई मतलब नहीं है, अब क्या है इस बार आपको निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें हो रही हैं। क्या बताया था? एरिया अंडर कर्व, है ना? क्या था? डिस्टेंस और वी होता है डीएक्स अपॉन डीटी, सबको पता होगा। तो डीएक्स कितना आ गया? वी डीटी। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, बताया था अभी। तो हमने क्या बात करी थी? वी टी क्या होता है? एरिया अंडर वी टी कर्व, या इंटीग्रेशन एरिया अंडर वी टी कर्व। dx का इंटीग्रेशन दे देगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, जो कि चेंज इन पोजीशन। अच्छा इस ग्राफ को स्टडी तो करो जरा, पहले यहां से लेके यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन आया था 2, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो प्लस में, तो इसने एक्सेलरेट करना चालू किया 2 के रेट से 5 सेकंड तक। शुरू में कहां पर था? रेस्ट पर था। रेस्ट से चालू किया, 2 का एक्सेलेरेशन है, 5 सेकंड तक किया तो 10 हो जाएगी। v इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ, या सिंपल एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन, यहां पर 10 आ गई। फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन 0, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से,
फिर उसके बाद स्पीड डाउन होना चालू हो गई, यहां से डी एक्सलेट हो गया, यहां से इसके आगे डी एक्सलेशन आ गया, इसका डी एक्सलेट कर रहा है यहां तक, कहां तक, 15 तक, 15 तक। वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सलेशन नेगेटिव आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो डी एक्सलेट करेगा, तो यहां से ब्रेकिंग फिनोमेना चालू हुआ 15 तक, 15 पे वेलोसिटी हो गई है जीरो, 15 पे वेलोसिटी हो गई है जीरो, क्या हुआ, शुरू में एक्सलेट किया 10 आया, 10 के बाद कांस्टेंट स्पीड, फिर स्लो डाउन हो रहा है, वापस नहीं घूमा अभी, अब स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है, धीरे धीरे रुका, यहां से अब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में आने लग गई है, यानी ये 15 सेकंड के बाद घूम के रिवर्स आने लग गया है, और रिवर्स में उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, रिवर्स में नेगेटिव में उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही, यानी वो एक्सलेट कर रहा है, वो यहां तक जाके रुका था, फिर घूम के अब एक्सलेट करना चालू कर दिया, और एक्सलेट ही करता जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन चलते जा रही है, ठीक है, आगे कुछ और ग्राफ नहीं बना रखा है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन का अभी यहां पर कोई ये नहीं बोला ना इसने, यहां पर टाइम नहीं दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा मतलब ये ग्राफ को चलाते जा रहा है आगे, तो चलाते जा रहा है मतलब ये नेगेटिव में अब एक्सलेट करता जाएगा, तो डी एक्सलेशन इतने के बीच में 10 से 15 के बीच में उसकी स्पीड डाउन हो रही है, तो डी एक्सलेशन, उसके बाद 15 के बाद मत बोल देना एक्सलेशन -2, लेकिन यहां पर डी एक्सलेट कर रहा है, यहां पर एक्सलेट करेगा क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव में आ गई है, सही है, वेलोसिटी भी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव क्यों, नीचे को y एक्सिस में प्लॉट है, नीचे को आएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन चालू हो गया उसका, बेसिकली एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, बस पीछे को जाएगा, ये ग्राफ समझ में आया सबको, स्टडी करना आया ग्राफ को, हाँ सर, ठीक है, टुकड़ों में डिवाइड कर लो क्या क्या हो रहा है, अब क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल, देखो 15 सेकंड तक बड़ी सिंपल चीज है, 15 सेकंड तक जितना गया है, जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, 15 सेकंड के बाद चीजें बदल जाएंगी, 15 सेकंड के बाद वो घूम चुका है, वेलोसिटी नेगेटिव आ गई मतलब घूम चुका है, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद डिस्टेंस अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा ना, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, चलो देखते हैं, पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहला आंसर 0 से लेकर 10 सेकंड, 0 से लेकर 10 सेकंड एरिया अंडर कितना हो जाएगा, ये वाला, एक काम करता हूं ना आपको, बड़ा सिंपल होता रहता हूं, इस एरिया को हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इतना बोल लेते हैं पहले तो फिलहाल, ठीक है, 25 सेकंड तक जा रहे हैं ना हम, हाँ यहां पर भी बना लेते हैं और इसको आगे तक भी ले जा लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये है आपका, ये 20 सेकंड आ गया, ये वाला 25 सेकंड आ गया, ठीक है, सर बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिवर्स में जाएगी ना कार, अबे एक्सेलरेशन से नहीं होता कोई मतलब, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जहां को होगी वहां पर जाती है कार, एक्सेलरेशन से थोड़ा मतलब होता है कुछ, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा कम करेगा, लेकिन जाता पार्टिकल वहीं को जहां को वेलोसिटी होती है, इस 15 सेकंड के बाद उसने वेलोसिटी नेगेटिव आना चालू हुई है, 15 से पहले वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट जो था प्लस का था, तो सामने को ही जा रहा था, समझ में आया सर, तो अभी सामने नहीं जाएगा, 15 सेकंड के बाद रिवर्स कर जाएगा ना, 15 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, वो इधर को जितना आना था आ गया, अब वो उल्टा एक्सलेट होना चालू होगा रिवर्स में, हाँ सर समझा भी, ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये देखो, चलो इसी में लिख देता हूं, इसी में सब कुछ कर लेते हैं, ये डायग्राम को देखो, ठीक है, इसी में हम सब कुछ कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहां लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहां लिख देते हैं, डिस्टेंस यहां लिख देंगे, डिस्टेंस यहां लिख देंगे, अब जरा ध्यान दो,
जीरो से लेकर 10 सेकंड, जीरो से लेकर 10 सेकंड में कितना हो जाएगा a1 plus a2। एरिया तो निकाल लोगे ना, a1 कितना हो जाएगा भाई, a1 half into 5 into 10 25, a2 कितना हो जाएगा, a2 5 into 10, जरा देखते रहो 5 5 है ये 10 है 50। a3 कितना हो जाएगा, a3 आपका वापस कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, a3 आपका वापस 25 आ जाएगा, आ जाएगा ना 10 5 हाफ बेस इनटू हाइट। a4 कितना आ जाएगा, a4 हो जाएगा आपका हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे। देखो अब ये वाले कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप ये सेम इस्तेमाल कर लोगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा लो। हाँ सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ जैसे भी करना है कर लो, उसको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा लगा के, ये 5 है ठीक है, 5 है ये 10 आ रहा है, तो यहाँ के 5 में ये भी 10 आएगा, ये 10 आएगा, इसका वर्टिकल वाई कोऑर्डिनेट 10 आएगा कि नहीं आएगा। देखो बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है, और तो और आ जाएगी बात समझ में, या बताना पड़ेगा और नहीं समझा। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 20 आएगा, बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट 20 निकल के आ जाएगा ठीक है, 5 में 10 आ रहा है तो 10 में कितना आएगा 20 आ जाएगा, कर लोगे इतना, ये 10 और 20 रिपीट करो के हैं, तो 10 रिपीट करो ना, इसको देखो ये एक एक ही स्ट्रेट लाइन है ना, तो दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, tan थीटा लगा के देखो, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हां सर, वहां से समझ में आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 है ठीक है, फिर उसके आगे दिस अपॉन दिस tan थीटा इज इक्वल टू, यहां का tan थीटा लगाओगे दिस अपॉन दिस, तो वहां से 20 पता चल जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में रेट क्या होता है, फिक्स होता है, 5 में 10 नीचे आ रहा है, 5 में ऐसे 5 चलने में 10 नीचे आ रहा है, तो ऐसे 10 चलने में 20 नीचे आएगा, तो ये निकल रहा। हाँ अभी तो पहले कोऑर्डिनेट चाहिए ना, आप बेस इनटू हाइट लगाने के लिए चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, इसका कितना आएगा फिर से 25 आ जाएगा, बताओ 10 5 हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे। A5 भी आप निकाल लोगे, हाफ सम ऑफ A5 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया आपका 10 प्लस 20 10 प्लस 20 इनटू गैप, इनटू गैप है आपका 5, बताओ इनटू गैप है आपका 5, कितना आ गया यहां से 15 5 75। एरिया तो हमने सारे निकाल लिए, एरिया निकाल लोगे, एरिया में किसी को कोई दिक्कत, A1 A2 A3 A4 A5 में कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, क्लियर है, क्यों निकालना है सर। अब देखो अब कॉन्सेप्ट आ जाओ, अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर 10 सेकंड में, 0 से लेकर 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a1 plus a2, डिस्टेंस भी a1 plus a2, बताओ डिस्टेंस भी सेम आ जाएगा। फिर 5 से लेकर 15 सेकंड, 5 से लेकर 15 सेकंड कितना आगे, आंसर भी लिखते जाओ, आंसर लिखते जाओ 75। 5 से लेके 15 सेकंड, 5 से लेके 15 सेकंड में आएगा आपका A2 plus A3, A2 plus A3 कितना आ गया आपका फिर से 75, सेम A2 plus A3 75 ठीक है। अगला क्या बचा आपका, अगला है 5 से लेके 25, 5 से लेके 25 चलना है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे, डिस्प्लेसमेंट जरा सही से लिखना, A2 plus A3 क्या है जरा ध्यान दो, शुरू में जब वो एक्सलेट करके यहां पहुंचा है 10 की स्पीड रेट कर ली है, वहां से जो गया एरिया क्यों फाइंड किया, अरे यार तुम बादाम बादाम खाओ भाई, फिर किसने पूछा, बता रहा हूं एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस निकालना है, तो एरिया चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, एरिया क्यों फाइंड आउट किया, अरे यार मतलब क्या है, हैं ये सर्कस सर्कस में आए हो क्या, एरिया क्यों फाइंड आउट किया, अबे खाना क्यों खाते हो भाई, हैं
एरिया को फाइंड आउट किया, पूरी कहानी चल रही है एरिया को फाइंड आउट किया। देखो भाई यहां से यहां तक क्या है, 5 से लेके 25 तक देखना है तो 5 से लेके 15 देखो, 5 से 15 में ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव का, इधर को वाई डिस्प्लेसमेंट। तो 15 यहां से 5 से 15 तो ऐसे गया, फिर 15 के बाद घूम गया है, 15 के बाद घूम गया है। अब देख लो मतलब 5 से लेके 15 तक ऐसे गया, जब t = 5 पर था, t = 15 पर यहां गया है, फिर यहां से रिवर्स आना चालू हो गया है, 15 से लेके 25 तक वापस आना चालू हो गया है, ठीक है। तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, हो सकता है एरो यहां तक आए, हो सकता है इतना एरो जाए ना, एरो सिर्फ यहां तक आए, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ये बच जाएगा, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके बच जाएगा। 5 से 15 गया, 15 से 25 सेकंड में रिवर्स आया, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ये बच गया। तो अभी वही पूछ रहा था मैं कि रिवर्स आना है ना, मैंने अबे तो रिवर्स तो आएगा ना, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, ठीक है। चलो देखो A2 प्लस A3 प्लस का आएगा, नीचे वाला A4 नेगेटिव का पुट होगा, A5 नेगेटिव का पुट होगा, कितना आ रहा आंसर भाई A2 प्लस माइनस का 25 आ जाएगा। माइनस का 25 का क्या इंडिकेशन है, 5 से लेके 15 में, 5 से लेके 15 में गया वो, 5 से लेके 15 में A2 प्लस A3 75 मीटर आगे गया, फिर वहां से रिवर्स आना चालू हुआ। 15 से लेके 25 में, 15 से लेके 25 में कितना हो गया है, 25 प्लस 15 से लेके 25 में 25 प्लस 75 इधर को आपका 100 आ गया, इधर को 100 आ गया, पीछे को रिवर्स में 100 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट कहां को आया, पीछे को डिस्प्लेसमेंट आ गया, कितना आया है 25 का, क्योंकि नेगेटिव में आ रखा है तो माइनस का, वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस लिखना है तो A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, तो जब भी डिस्टेंस लिखना होगा तो सारे प्लस के आ जाएंगे, आई बात समझ में, तो कितना आ जाएगा 175 मीटर। समझदार हो आप लोग, 20 से 25 में आंसर आएगा माइनस का A5 माइनस का A5 मतलब माइनस का 75 आपका आंसर है, यहां पर डिस्टेंस तो खाली A5 हाँ सर समझा पूरा। क्लियर है सबको? यस सर। सर जरा नोट करने दो, सर नोट कर लिया मैंने। अब एरिया इंटीग्रेशन से भी फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जब डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट करोगे ना। एरिया जब पढ़ाया था आपको, सर इसमें इंटीग्रेशन से करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा तो इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है चलो इसी में कुछ और बनाते हैं, इसी में कुछ और बनाते हैं, इतना सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन जिसमें सारी चीजें सॉल्व हो जाए, 2 मिनट नोट कर लें, ठीक है। इसमें हम और कुछ भी करते हैं जो बाकी आपसे पूछते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द एटी ग्राफ फॉर द सेम सिचुएशन, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द सेम सिचुएशन।
सर हाँ सर ए फाइव जो डी वाला है वो नेगेटिव में क्यों आया बताओ की तरफ आ रहा है इसलिए 20 से 25 के बीच में निकालना है 20 से 25 के बीच में नेगेटिव में नहीं चल रहा रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में आएगा ना हाँ सर 15 25 यहाँ होगा सॉरी 20 यहाँ होगा ये 22nd होगा यहाँ कहीं 25 होगा ना ऐसा चलेगा ना ऐसे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव की ओर को आ रहा है ना आई बात समझ में ओके सर समझा बाकी ग्राफ तो सिंपल देखो ना जो नीचे है वो नेगेटिव है खत्म बात डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाली चीज नेगेटिव ऊपर वाली चीज पॉजिटिव डिस्टेंस में सब पॉजिटिव अब आपका अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द एटी ग्राफ फॉर द सेम सिचुएशन चलो ट्राई करो एटी ग्राफ ट्राई करो फटाफट आप पर हैं 2 मिनट और अगर एटी ग्राफ हो जाएगा तो एक्सटी ग्राफ बनाना है पहले तो एटी ग्राफ बनाओ एटी ग्राफ आसान है एक्सलेशन टाइम ग्राफ फिर पोजीशन टाइम ग्राफ अरे 80 ग्राफ क्यों नहीं बनेगा भाई 80 ग्राफ भी बनेगा क्यों नहीं बनेगा बताओ चलो बताओ बताएं नहीं सर 2 मिनट चलो यार सर ये थोड़ा आड़ा तीरा बनेगा ना सर अरे 80 ग्राफ बड़ा सिंपल बनेगा बना दिया हाँ बट सर वो नेगेटिव में भी जाएगा हाँ नेगेटिव में बनेगा रहेगा क्या वो रहेगा रेक्टेंगुलर डब्बे बनेंगे रेक्टेंगुलर डब्बे बनेंगे बीच में गैप भी आएगा हाँ सर बन गया तोड़ के देखो ना उसको कहाँ कहाँ तक सिचुएशन सेम चल रही है कहाँ कहाँ तक क्या हो रहा है अब एक बात बताओ इसी को जरा देखना 80 ग्राफ में इसी पे कैसे सुपर इम्पोज कर रहा हूँ ये हो गया ठीक है आजा भाई लाइन भी स्ट्रेट आ जा ये गई लाइन ये आपका 80 ग्राफ बनाना है ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो ये ब्रेक किया इसके बाद तो पूरे में स्लोप कांस्टेंट है जरा देखो यहां से लेके यहां तक का एक्सेलरेशन कितना आएगा एक्सेलरेशन क्या होता है याद है आपको एक्सेलरेशन होता है डीवी अपॉन डीटी स्लोप इसका स्लोप तो स्लोप कितना आया 10/2 हम निकाल चुके हैं पहले तो यहां पर तो पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन चल रहा है 2 का पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलेगा 2 उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का आंसर आएगा आपका 0 ये आ जाएगा इसको ज्वाइन कर लेना चाहे तो ये आ जाएगा उसके बाद एक्सेलरेशन कितना चला था याद है कुछ पूरी लाइन का स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव में कितना है -2 तो ये आ जाएगा आपका चलते जाएगा जहां तक चलाना है ठीक है इसको डब्बे को बंद मत करना क्योंकि मोशन रुका नहीं है इसने ग्राफ को पूरा आगे तक लेके जा रहा है तो ये भी आगे हो जाएगा बस अगर 25 सेकंड तक बनाना है तो 25 सेकंड पर डब्बा बंद कर लेना आ गई बात समझ में सबको सर तो बंद करना है कि नहीं करना वो कैसे पता चलेगा अरे यार ये दिया होगा ना ये ग्राफ का अगर यहां तक दे रखा है 25 सेकंड शुरू में मैंने मेंशन थोड़ा ना किया था 25 मैंने तो उसको छोड़ दिया था तो आप भी छोड़ देना ओके सर अरे वो बहुत छोटी प्रॉब्लम है आपको तो ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है वो समझ जाओ फिर आप अब इसका आता है एक्सटी ग्राफ कैसे बनाओ आपको एक कंडीशन दे रखी t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 थी ये पहले से मान लो ओरिजिन से चालू कर रहा है शुरू में वो ओरिजिन पर था अब बनाओ एक्सटी ग्राफ बनाओ
सर ये तो पूरा स्लोप बनेगा 25 तक का। इसकी तो कहानी एक्स टी ग्राफ की तो कहानी बड़ी अजब है। एक्स टी ग्राफ इसका बना पाओगे सर? ऐसे ही ना पूरा स्लोप बन जाएगा 25 तक का। जरा ध्यान देना, यहां से यहां तक का देखो एक्सप्रेशन कैसा है, यहां से यहां तक एक्सप्रेशन कैसा है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? हाँ भाई एक्सप्रेशन क्या है? कॉन्स्टेंट है। क्या इक्वेशन लगेगी यहां से यहां इस रास्ते में? क्या इक्वेशन लगेगी इतने पार्ट के लिए? क्या इक्वेशन लगने वाली है? इसको मिटा दूं? हाँ सर। चलो इसमें ही लिख लो यार, इसमें ही लिख लो। यहां पर इक्वेशन लगेगी एस, एस की वैल्यू होगी एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट है। आप पहली इक्वेशन वो वाली इक्वेशन लगा सकते हो सारी की सारी, यू टी प्लस हाफ इंटू टू इंटू टी स्क्वायर। क्या आ गई इक्वेशन? एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गई इक्वेशन। बताओ आई कि नहीं आई? एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर स्ट्रेट लाइन आएगी क्या? पैराबोला निकल के आएगा इसका। चलो आपको पहले उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट देखो पहले, थोड़ी सी चीज है। अगर x आता है कुछ at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, क्या आया है? x समय का टू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में चल रहा है, तो वेलोसिटी ऐसे बना दो इसको, a मत बनाओ, ऐसे करके कुछ दे रखा है, ठीक है? t स्क्वायर प्लस ऐसे करके कुछ ये दे रखा है आपको, 2t प्लस 7 ऐसे करके कुछ दिया। तो वेलोसिटी हमेशा, वेलोसिटी पावर देखो, पावर को देखना। xt ग्राफ की पावर अगर t का 2 पर डिपेंड कर रहा है तो t के 1 पर डिपेंड करेगा, और एक्सेलरेशन तक जब पहुंचोगे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा मतलब t की पावर 0 पर। तो होता क्या है, उस चीज देख रहे हो, यहां से यहां होके यहां से यहां होके एक एक पावर कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो बेसिकली कांस्टेंट आ गया है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर आएगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, कांस्टेंट में जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो दिक्कतें और है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू है मान लो 2 है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर आएगा। ये था कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर, एक्सटी ग्राफ क्वाड्रेटिक, एक्सटी ग्राफ क्वाड्रेटिक, पावर एक एक बढ़ते जाएगी ऊपर को जाओ। आई बात समझ में? एक्स को डिफरेंशिएट करा वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन में अगर एक्स की, याद है रूल, एक्स की पावर एन वाला, डिफरेंशिएट करते जाओगे पावर एक एक कम होते जाती है। हाँ सर, ठीक है ना? तो पावर एक एक कम होते जा रही है वहां पर, तो ये हो जाएगा पावर एक कम हुई एक कम हुई। तो वहां से एनालाइज करो, अगर ये कॉन्स्टेंट है तो ये सिंगल पावर पर आएगा, और ये उसका क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। अब कल के दिन में सिचुएशन अलग दे रखी है, अगर x आ रहा है t क्यूब का कुछ, t क्यूब प्लस t प्लस 3 मान लो, तो vt कर्व आपका ये आएगा। अब t क्यूब का आपको ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता, लेकिन t क्यूब का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, t क्यूब का ग्राफ घूमेगा, कर्व आएगा, इतना पता होना चाहिए कम से कम, क्योंकि चार ऑप्शन है, ऑप्शन सेलेक्ट करने आने चाहिए। और at ग्राफ लीनियर आएगा, ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक पैराबोला, ये क्यूबिक है, इसका कुछ कर्व आएगा जो आप बनाना नहीं जानते, लेकिन कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। आई बात समझ में सबको? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। क्वेश्चन से रिलेट करके बताओ ना।
क्वेश्चन से तो रिलेट कर लूंगा, पहले इसको देखो, ऑब्जर्वेशन देखो, यहां पर हाईएस्ट पावर 3 चल रही है, यहां पर 2 हो गई है, यहां पर 1 हो गई। वीडियो लैग कर रहा है। हाँ सर, सर वीडियो लैग कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार रहे हैं सर। क्या हो गया भाई, ऐसा क्या है, कोई अटक गया होगा? अटक गया आपका वीडियो क्या? सभी को लग रहा है अटक गया है? हाँ सर, हाँ सर, आवाज एकदम आ रही है। अटक गया और को अरे यार पूरा ढंग से गायब हो गया क्या? सर अभी तो बैंडविड्थ भी लो हो गया, छोटा हो गया स्क्रीन बहुत। क्या हो कह रहा है भाई ये? सर आपके साइड से नेट का इशू है? हमारे वहां भी नेटवर्क दुकान लग गया यार अब तो। सर रिजॉइन करके देख। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसमें कोई दिक्कत? क्या होता है, कैसे सिचुएशन होती है? अब इसको देखो यार, वापस आते हैं इधर को, इस पर वापस फोकस करो, इस ग्राफ पर वापस आते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो है आपका, देखो जरा, ये दिमाग पर रहेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहां से यहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर जीरो एक्सेलरेशन है, फिर आपका नेगेटिव में है एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव में है एक्सेलरेशन, तो अब इसी में मैं वीटी ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, यहां पर वी बना देता हूं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, क्या करना अपने को, कर्व से ग्राफ बनेगा ना? इससे बनेगा, ये ग्राफ में कर्व होंगे ना? हाँ कर्व होंगे। जरा ध्यान दो, सबसे पहले क्या आया था हमारा, यहां के लिए क्या इक्वेशन आई थी, x और t के बीच में क्या रिलेशन आया था, याद आ रहा कुछ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, देखो हर ग्राफ की कोई ना कोई इक्वेशन होती है, हर ग्राफ की कोई ना कोई इक्वेशन है, इसकी कौन सी इक्वेशन है? ये mx plus c टाइप का है जिसमें c जीरो है, है ना? ना ना, vt ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? v is equal to, अगर स्केल बात करता हूं तो v is equal to slope आ गया 2 into t, सही बात भी है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, u plus at लगाओ यही आएगा आपका, u जीरो है ना, तो at 2 into t, इतने कर्व के लिए, यहां से यहां तक के लिए ये वाली लाइन की इक्वेशन आई है, ये वाली लाइन की इक्वेशन है v is equal to 10, इस लाइन में v की वैल्यू 10 है, देखो ये v is equal to 10 की लाइन है, तो इसकी इक्वेशन अलग से लिख सकते हो आप, यानी ग्राफ में हर पार्ट की कोई ना कोई इक्वेशन तो होती है। ठीक है ना, अब स्ट्रेट लाइन है तो उसमें यार कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो ड्रॉ हो जाएगी, उसके बारे में नॉर्मली हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाई अगर ये लीनियर रिलेशनशिप है VT में, तो XT रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक आएगी, yes. तो पहले उस इक्वेशन तक पहुंच जाओ, उस इक्वेशन तक पहुंच जाओ तो हमारा क्या निकल के आया था, इतने पार्ट पर क्या निकल के आया था, एक्स इज इक्वल टू, अब देखो क्योंकि यहां पर तो आसान है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट चल रहा है, तो वो तीन इक्वेशन से काम बच जाएगा, वो तीन इक्वेशन सबके सब वैलिड है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया है तो सेकंड इक्वेशन पे आओ,
सेकंड इक्वेशन बताती है आपको x माइनस जीरो, शुरू में जीरो पे था, x माइनस जीरो इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2, इतने रास्ते के लिए एक्सेलरेशन है 2 इनटू t स्क्वायर, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू t स्क्वायर। क्या ये ग्राफ प्लॉट कर पाओगे? दिया हुआ है ना 5 सेकंड्स। अरे कोई जनरल ले रहा हूं ना, इस पार्ट का कोई जनरल लूंगा ना, नहीं आई बात समझ में, कोई जनरल t टाइम लूंगा ना, पूरा ग्राफ प्लॉट करना, यहां का थोड़ा ना निकालना आपको, यहां का निकाल के डायरेक्ट करोगे क्या, है ना, आई बात समझ में। तो यहां से यहां के लिए ये कर्व है आपका, ये कैसा है, ये y = x² कर्व है, अगर आपको याद होगा y = x² कर्व टाइप का, तो बताओ t = 0 पर x की वैल्यू 0, ये तो दिया भी है आपको, तो यहां से चालू होगा ग्राफ, कैसा है, अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है? अपवर्ड ओपनिंग, ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग। हां, इसमें इंटीग्रेशन लगाओगे, इंटीग्रेशन क्यों जाना है भाई, देखो अगर यहां तक की इक्वेशन पता है, v की वैल्यू है 2t, इसको dx अपॉन dt लिखो, फिर dx लगाओ 2t dt, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट लगाते हैं, जीरो पर जीरो था, कोई जनरल t टाइम पर x मान लेना, सेम आएगा, सेम यही चीज निकल के आ जाएगी, अगर इसकी पहले, लेकिन उसके लिए vt इक्वेशन लिखोगे, पहले vt इक्वेशन को लिखोगे dx अपॉन dt, फिर वहां से करोगे कुछ, इसको छोड़ो अभी, अभी सिंपल रखो चीजों को, अभी प्रॉब्लम को सिंपल रखो, ये आगे जाके काम आएगी। अगर vt कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आया, vt कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नहीं होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नहीं है तो फिर बेसिक पे आना पड़ेगा आपको, वो बहुत टिपिकल प्रॉब्लम, पहले हल्के लेवल पर रखते हैं, फिलहाल हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस था, x = t स्क्वायर, कैसा ये कर्व, अपवर्ड ओपनिंग है डाउनवर्ड ओपनिंग है? अरे कैसा ओपनिंग है, अपवर्ड के डाउनवर्ड? सर अपवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग है, कैसे कहां तक जाएगा आपको याद होगा सर? 25 तक, ये मेरे ख्याल 25 आएगा, ज्यादा है कुछ, यहां तक जाएगा, कहां तक? 25 तक, ठीक है, 25 के बाद क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज तो वैलिड हो गई, t की वैल्यू 0 से 5 सेकंड के बीच में, 0 से 5 सेकंड के बीच में, तो ये कहानी है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं t की वैल्यू 5 से लेके 10 सेकंड में, 5 से लेके 10 सेकंड में एक्सेलरेशन है 0, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट आएगा x माइनस 25, बताओ 5 से 10 के बीच में देख रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू u कितना हो गया, u हो गया है यहां पर 10, इस पूरे रास्ते के लिए u हो गया है 10, पूरे रास्ते में 10 इनटू t, कोई जनरल t, x आपने मतलब कुछ भी लिया है ना? हाँ, कोई जनरल 5 और 10 के बीच में कोई जनरल आपका लोकेशन है जनरल टाइम t पर, तो ऐसे इक्वेशन लिखूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a है 0, इतना निकल के आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 25 प्लस 10t, ये प्रॉपर इक्वेशन है, लेकिन आप क्या करो आप तो ये देखो ना, लीनियर इक्वेशन है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी तो x और t में रिलेशन लीनियर आएगा, बेसिकली एक्सेलरेशन जीरो है तो सेकंड इक्वेशन से देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन आएगा लीनियर कैसा है स्लोप, कैसा है इसका स्लोप, इसका पॉजिटिव है, सही बात भी है, अब वेलोसिटी लीनियर आएगा ना सर, वेलोसिटी तो कांस्टेंट आएगा ना इस केस में, 10 है कि नहीं है सर, तो एक्सटी ग्राफ क्या आएगा, एक्सटी ग्राफ लीनियर आएगा, इसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा लेकिन ऐसे करके बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ऐसे करके बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा, 75 तक जाएगा, याद आ रहा है, इस 75 पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या ये नीचे को आना चालू हो जाएगा या और ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बताओ 10 सेकंड के बाद, सर ऊपर जाके नीचे आएगा, ऊपर जाएगा पहले, क्यों, 100 तक जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव में ही है, एक्स कोऑर्डिनेट अभी बढ़ता ही जाएगा, वेलोसिटी देखो ना, वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव में चल रही है, तो अभी घुमा नहीं है पार्टिकल, अभी घुमा नहीं है तो एक्स कोऑर्डिनेट अभी और बढ़ेगा,
एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट है अभी, एक्स कोऑर्डिनेट और बढ़ेगा आपका, ठीक है। कैसा बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा, क्या इक्वेशन लगाओगे आप, क्या इक्वेशन? डाउनवर्ड ओपनिंग। यू यू कितना हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू, यहाँ का यू कितना है 10, कोई जनरल टाइम टी प्लस हाफ, ए कितना है माइनस का 2 इंटू टी स्क्वायर, तो एक ग्राफ कैसा आ गया माइनस टी स्क्वायर प्लस 10 टी टाइप का। एस कितना हो जाएगा, एस होगा आपका एक्स माइनस 75। प्रॉपर पूरी इक्वेशन भले ही ना लिखो, लेकिन यह पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन लग रही है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो लिख लोगे ना, एक बार डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख ली तो वहां से आइडिया लग जाएगा कि डाउनवर्ड ओपनिंग आ रहा है, बस इतना लिख लो। ये प्रॉपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर लिखने की, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखो, उससे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखो, लीनियर आ रही है, बस उतने से आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। बाकी ग्राफ आपने स्टडी कर ही रखा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो एक्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक्स पैराबोलिकली बढ़ेगा, एक्स लीनियर बढ़ेगा, एक्स फिर से पैराबोला के हिसाब से बढ़ेगा। कैसा आया, डाउनवर्ड ओपनिंग आया, डाउनवर्ड ओपनिंग आया है, लेकिन पहले बढ़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, इसको जरा देखो, ठीक है। ये आपका ds by dt, इसको अगर मैक्सिमा निकालना है, अच्छा इसका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब आएगा, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब आएगा, 100 कहां पर, जब जब सर, जब स्लोप 0 होगा, सेकंड पे, 15 सेकंड पर, 15 सेकंड पर इसका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि उसके बाद घूम रहा है, 15 सेकंड पर इसका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, उसके बाद घूम रहा है, या फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना। मैक्सिमम के लिए क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी। बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा कांसेप्ट लगाओगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, वेलोसिटी आएगा, है ना। तो जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अब इसको स्टडी करो ना, वेलोसिटी यहां पर 0 हो गई है, उसका नेगेटिव हो रही, यानी यहां पर 15 सेकंड के बाद जाके घूमना चालू हुआ है, तो 15 सेकंड पर इसका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, कितना आएगा वो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, कितना आएगा, याद आ रहा कुछ, कितना था 100 आ जाएगा, हां 100, ये 25 था, ये वाला 25 75 और 25 था, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, कर्व है डाउनवर्ड ओपनिंग, कर्व है डाउनवर्ड ओपनिंग, अभी इसको और ऊपर जाना है, अभी इस ग्राफ को और ऊपर जाना है, यहां कहीं तक जाना है मान लो, और जाना है, पैराबोला आना है और डाउनवर्ड ओपनिंग आना है, तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा करके बन के आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, पूरे लाइन में सेम इक्वेशन अप्लाई होगी, भले ही वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, आपने मोशन यहां से कंसीडर कर रखा है, पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन सेम चल रहा है, ठीक है। आपने मोशन यहां से लेकर पूरा रास्ता, अगर वीटी ग्राफ एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगी, एक्स ग्राफ भी यही इक्वेशन पूरे है, स्क्रीन ब्लर हो गया, फिर स्क्रीन ब्लर हो गया, हाँ सर हो गया ठीक, अरे ठीक हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से ग्राफ निकल जाएगा, क्या है, पता चला डाउनवर्ड ओपनिंग है। अच्छा, अगर ये एक रिलेशन फॉलो कर रहा है, बीटी ग्राफ अगर एक रिलेशन फॉलो कर रहा है, एटी ग्राफ एक रिलेशन फॉलो कर रहा था, याद है, एटी ग्राफ एक रिलेशन, तो एक्सटी ग्राफ भी एक ही रिलेशन से पूरा जस्टिफाई होगा, ठीक है। इसके आगे सब एक ही इसी इक्वेशन से जस्टिफाई होगा। अब आपको पता है मैक्सिमम कहाँ जाना है, मैक्सिमम जाना है, मैक्सिमम उसको बढ़ के आना है, 100 तक जाना है, 100 तक जाना है, तो उसका लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए ये वाला कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा आपका, ये वाला 100 बन के आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 100 बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां ऐसा फिर ऐसा आएगा। हाँ भाई, एक्सट्री ग्राफ में कितनों को दिक्कत आई, समझ के एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, पहला वाला समझ में आया, देखो पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। वीटी ग्राफ तीन टाइप का था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, फिर एक ऐसे था, ठीक है।
तो यहां पर के लिए देखो, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर आता है तो एक्सटी ग्राफ क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। उससे भी मजे की बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर है तो एक्सलेशन आएगा कांस्टेंट, इस रास्ते में एक्सलेशन कांस्टेंट है, एक्सलेशन कांस्टेंट है तो वो तीनों की तीनों इक्वेशन वैलिड है, वहीं से आपके आंसर आ जाएंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे इस रास्ते में, इस रास्ते में यू यहां पर जीरो था, यू जीरो था, यहीं से चालू हुआ था वीटी कर्व, याद है ना वीटी कर्व कैसा आया था, वीटी कर्व ऐसा था, ये था, ये था, वेलोसिटी जीरो से चालू हुई है, तो इनिशियल जीरो, यहां का जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इसको छोड़ो, आप तो डिस्प्लेसमेंट लिखा करो, तो बेसिकली ये आपका इतना बन गया। अब ये है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ऐसे खुलेगा, उसके बाद क्या है फिर से लगा दो, एक्सलेशन जीरो है लेकिन कांस्टेंट है ना, अप्लाई करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, एक ही जगह पर जीरो आ जाएगा टी स्क्वायर, तो ये वाला कर्व आपका लीनियर आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, ये वाला कर्व आपका लीनियर आ जाएगा, ये लीनियर आया है बना, ठीक है, लीनियर है, स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे आएगा। ये वाले कोऑर्डिनेट्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 25 या 75 या 100, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये एरिया अंडर वीटी कर्व से हो चुका है ऑलरेडी प्रॉब्लम, ठीक है, ये आके आपका। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट वाले पार्ट में क्या है, 15 सेकंड तक ऊपर भाई, अब मतलब उसके बाद क्या, लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में फिर यहां से मोशन को देखोगे, क्योंकि यहां से इक्वेशन बदल लिया, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, यहाँ का u हो जाएगा 10, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी 10, 10 से चालू कर रहा है, ut plus half at square, a कितना चल रहा है इस रास्ते में, पूरे रास्ते में a चल रहा है माइनस का 2, तो half at square करोगे तो ये क्वेश्चन बन के आएगी, क्वाड्रेटिक आई है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, आगे माइनस का साइन आ गया, देखो याद है कुछ, जब पैराबोला पढ़ाया था उसको रिवाइज कर रखा है भाई, फिजिक्स इतनी आसान चीज नहीं है, और आप सबसे पहला चैप्टर कर रहे हो फिजिक्स का, तो मैथमेटिकल टूल्स जो पढ़ाया है उसको जरा दिमाग पर रखना, ठीक है, शुरुआत से समझ गए थे क्या, फिजिक्स आसान नहीं है, फिजिक्स आसान उन्हीं के लिए है जो शुरू में मेहनत कर लेगा, ठीक है, आसान पड़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में मेहनत सबसे ज्यादा मांगी मैथ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई केमिस्ट्री में, फिजिक्स में चैप्टर लिंकअप है, एक बार बीच में छोड़ दिया फिजिक्स गायब हो जाएगी, बता रहा हूँ मैकेनिक्स तक, तो मैकेनिक्स से बात समझ में आएगी, तो बना के रखना, बाकी क्लासेस बंक मारनी है मारो, मत रहो प्रेजेंट, फिजिक्स में अगर कोई क्लास बीच में मिस हो गई तो फिर काइनेमेटिक्स अच्छी प्रॉब्लम, न्यूटन लॉ में काइनेमेटिक्स डालेगा, काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम डालेगा, फिर उसके आगे जाओगे फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सब में काइनेमेटिक्स आएगी, उनमें न्यूटन लॉ भी आएगा, पुराने चैप्टर सारे इंक्लूड होते हैं, लिंकअप है पूरा, अच्छा प्रॉब्लम करेगा, तीन चार कॉन्सेप्ट लगवाएगा, फंस जाओगे आप, मैथ में लगाता है, लेकिन अभी समझने के लिए कोई ऐसा नहीं है, एक चैप्टर छोड़ दोगे तो अगला समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरा लिंकअप है, ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन में दिक्कत आएगी, जरा मेहनत करो, दो घंटे दिन में दो घंटा फिजिक्स कर ली उससे काम बन गया ऐसा कुछ नहीं होगा, दो घंटा भी 3 घंटे तो कम से कम करो फिजिक्स डेली, 2 से 3 घंटा इतना रखो, अब हफ्ते में 2 घंटा हो रहा है, 3 घंटा फिजिक्स करोगे हो गया फिर काम धाम तुम्हारा, ठीक है, ये देखो इसको ut plus half at square लगाया ये आया, तो बेसिकली डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आया है, अगर याद होगा ax square plus bx plus c डाउनवर्ड ओपनिंग है, अब यहां से मेरे को कैसे पता चलेगा ऊपर जाके आया, मैं तो ऐसे भी बना सकता था, कर्व तो यहाँ के बाद डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ऐसे भी बन सकता था, ठीक है, लेकिन मेरे को क्या पता है, मेरे को यह पता है 15 सेकंड तक इसका v पॉजिटिव है, 15 सेकंड तक देखो v पॉजिटिव में ही है, v प्लस का आ रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव में ही जा रहा होगा, पॉजिटिव में जाएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, 15 पर ही अपना मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट रीच करेगा, 15 के बाद घुमा है, 15 के बाद वेलोसिटी नेगेटिव आना चालू हो गई है, यानी 15 पर घुमा है तो 15 सेकंड पर ये जाएगा मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पर, ठीक है, 15 सेकंड पर ये मैक्सिमम अपने x कोऑर्डिनेट पर चले जाएगा, ये करके आएगा ग्राफ आपका, अगर आ गई बात समझ में, हाँ सर,
सर नोट करे हाँ हाँ नोट करो कर लिया देखो वादा शक्तिमान छोटी मगर मोटी बातें तो उसमें एक चीज याद रखो एक क्या दो तीन चीजें याद रखो आपका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पूछता है या मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट पूछता है ठीक है तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हो डिफरेंशिएट करते हो ठीक है तो डीएक्स बाय डीटी करोगे उसको जीरो करोगे तो डीएक्स बाय डीटी क्या होता है वेलोसिटी कभी भी आपसे मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट या मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट पूछेगा तो क्या करो सीधे सीधे वेलोसिटी जीरो देख लो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो आएगी क्योंकि जीरो के बाद क्या है जहां पर वेलोसिटी जीरो आई है उससे पहले अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है मतलब वो घूमा है पार्टिकल वो घूम के आ रहा है ठीक है तो यानी उस जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है वहीं पर आपका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा या फिर मैक्सिमम नेगेटिव एक्स मिल जाएगा बेसिकली मतलब मैक्सिमम एक्स मिलेगा या मिनिमम एक्स मिल जाएगा। अब इस केस में क्या है ये ग्राफ आगे तक चलते जा रहा था ये ग्राफ नीचे को चलते जाएगा मिनिमम एक्स तो इसका मिनिमम एक्स कितना हो जाएगा माइनस जाएगा ठीक है इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि पार्टिकल आगे जा जाके घूम के आ रहा है और पीछे को तो चलता ही जा रहा है आगे तक जाने में भी उसने तीन टुकड़ों में डिवाइडेड है उसका मोशन ये है 5 सेकेंड फिर 5 सेकेंड फिर 5 सेकेंड ये स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा है फिर स्पीड कांस्टेंट जा रहा है फिर स्पीड घटा रहा है आपका फिर यहां से स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा है कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा है। आपको उसमें ग्राफ बनाने को नहीं आता याद रखना आपको खाली चेक करना होता है चेक आप बड़े आराम से साइड क्यों बनाया वो 15 के बाद हाँ ये 5, 10, 15 के बाद ये है ऊपर वाले में ये वाला हाँ सर 15 के बाद चलेगा नहीं वो वापस भी तो घूमेगा वेलोसिटी नेगेटिव हो गई ना उसके बाद तो 15 के बाद तो घूम के आ रहा होगा ना इधर को आ रहा होगा वापस हाँ सर समझा वापस आएगा वापस बढ़ते हुए आ रहा है वापस स्पीड बढ़ाते हुए आ रहा है तो किसी समय पर अब ओरिजिन को क्रॉस कर जाएगा और क्योंकि ये ग्राफ चलते जा रहा था ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव में बढ़ते जा रही थी वेलोसिटी यानी बेसिकली चलते जा रहा है तो ये भी पीछे को चलता जाएगा एक समय पर ओरिजिन को क्रॉस करेगा वो ये समय है जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया वापस। अरे आपको चेक करना होगा आपको ग्राफ बनाना नहीं होगा ठीक है आप तो इससे समझ जाओ कि जो इधर लिखवाया है यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टी का लीनियर फंक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्वाड्रेटिक आएगा ठीक है दूसरे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ लीनियर आएगा ठीक है एक्सटी ग्राफ लीनियर आएगा देखो एक्स अगर टी का लीनियर फंक्शन है टी माइनस टू है तो वी आपका आएगा कांस्टेंट मान लो आपका 3t है तो वी आपका कांस्टेंट एक्सलेशन आपका जीरो जरा ध्यान से देखो चीज को एक्सलेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ लीनियर ठीक है आई बात समझ में अब जरा इसको भी स्टडी कर सकते हो देखो आपको ऑप्शन चेक करना होता है स्लोप क्या होता है यार स्लोप 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 क्या है पहली बात बताओ स्लोप क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव है ग्राफ कौन सा है एक्स वर्सेस टी ग्राफ है एक्स वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी स्लोप देखो स्लोप क्या होता जा रहा है स्लोप क्या होता जा रहा है स्लोप क्या होता जा रहा है इंक्रीज स्लोप बढ़ता जा रहा है ठीक है तो वेलोसिटी देखो बढ़ते जा रही है आई बात समझ में पॉजिटिव में है और बढ़ते जा रही है पॉजिटिव में भी है और बढ़ते जा रही है आपको खाली ग्राफ चेक करना होता है चार ऑप्शन में सेलेक्ट करने हैं आपको बड़े आराम से आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ये सब दिमाग में रखो एडवांस में हिला देगा प्रॉब्लम मेंस की तो कोई दिक्कत नहीं है मेंस में तो हो जाएगा आप यहीं से देखो आपने स्टडी किया वेलोसिटी बढ़ते गई फिर यहां से स्लोप देखो स्लोप कांस्टेंट है
स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी, कांस्टेंट है। उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कम होते जा रही है। 10 से 15 सेकंड देखो, 10 से 15 सेकंड में क्या है, वेलोसिटी है तो पॉजिटिव लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो यानी स्लोप पॉजिटिव होगा लेकिन कम होता जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है कम होते गया कम होते गया कम होते गया, 15 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई जीरो, यानी स्लोप हो जाएगा जीरो, 15 सेकंड पर स्लोप आ गया जीरो। अरे आया समझ में? यस सर, यस सर। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा कूल माइंड होकर इसको दोबारा देखोगे प्रॉब्लम को, बहुत चीजें हैं ग्राफ में, एक एंगल से जरूरी नहीं पकड़ना, दूसरे एंगल से साइड से भी देख सकते हो आप। अब उल्टा चेक कर लो, फिर उसके बाद क्या देखो, स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव आना चालू हो गया, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है और नेगेटिव में स्लोप बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव में स्लोप बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, देखो बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बना लिया इसको? हाँ सर बना लिया। चलो ठीक है, अब आपके लिए थोड़ी सी सिंपल प्रॉब्लम। देखो इसमें वैसे तो क्या है, इस प्रॉब्लम में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जितनी पॉसिबल प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी वो हमने डिस्कस कर ही ली है। इसमें एक प्रॉब्लम आप कर लो तो जरा मामला क्लियर कट हो जाएगा। लो आपको 80 कर दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं 80 कर, क्वेश्चन ये है आपको 80 कर दे रखा है कुछ ऐसे कर। ऐसे करके देखिए, ए और टी कर्व है, ये आपका 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ठीक है, सेकंड्स में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये वैल्यू दे रखी है आपको मान लो 5 दे रखी है, कह रहा है इसका, इसमें बताओ, आपसे पूछ रहा है velocity at t is equal to 3 second comma 8 second, ये निकाल लो। हाँ एक और चीज दे रखी, t is equal to 0 पर v 0 दे रखा आपको, t is equal to 0 पर v 0 दे रखा है, क्यों? क्योंकि इतने ग्राफ से ये समझ में नहीं आता है कि जब t की वैल्यू 0 है, acceleration 0 है, तो शुरू में हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, शुरू में हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, वो शुरू में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तब उस पर एक्सेलरेशन लगना चालू हुआ, प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है, लेकिन अभी आपके लिए प्रॉब्लम ये है रेस्ट से चालू कर रहा है, तो ये पूछेगा आपसे, ठीक है, और क्या पूछेगा? हाँ दूसरा, ड्रॉ वीटी ग्राफ। कर पाओगे इसको? आप पर हैं 5 मिनट, फटाफट करो, उसके बाद मैं बता रहा हूं इसको।
अभी क्लियर आ रहा है? अभी ब्लर हो रहा है? क्लियर है, क्लियर है सर। कब है तुम्हारा टेस्ट? संडे को है क्या? हाँ सर, तीन तीन टेस्ट का सिलेबस दिया होगा ना? दिया लगा रहा है टेस्ट? क्या है टेस्ट में, क्या क्या आ रहा है? मैथमेटिकल टूल्स ही आ रहे हैं। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है भाई? उसके अगले वाले में आ जाएगा, उसके अगले वाले में रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल दोनों आएंगे। बता दूं इसको, पहला पार्ट तो बता देता हूं। क्वेश्चन सबने लिख लिया? यस सर। करो करो सॉल्व करो, करते जाओ सॉल्व, जिसको समझ में आ गया तो। पहले क्या बोल रखा उसने? 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड पर। 3 सेकंड कहाँ होगा? 3 सेकंड यहां कहीं होगा। तो क्या करो, ये करो, इतना एरिया जो होगा, यहां तक का एरिया देखो जरा, यहां तक का एरिया क्या दे देगा? अच्छा पहले तो ये कोऑर्डिनेट निकाल लोगे आप, मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल है। ये फाइव ठीक है, ये फाइव सिमिलर ट्राइंगल लगा लोगे ना, ये 3 है तो ये भी 3 आएगा, बताओ लगा लोगे सिमिलर ट्राइंगल? हाँ सर, ये थोड़ा याद नहीं। ठीक है ना? अरे क्या याद नहीं है इसमें? टेन थीटा लगाओ ना, यहां से टेन थीटा लगाओ, एक थीटा मानो, टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा बड़े ट्राइंगल के हिसाब से 5/5, छोटे ट्राइंगल के हिसाब से इसको अननोन बोल दो, इसको थोड़ी देर के लिए वाई बोल दो, वाई अपॉन थ्री अपॉन फाइव, ये सभी तो होता है। अबे छोड़ो ना सिमिलर ट्राइंगल, टेन थीटा तो सेम होगा ना दोनों के लिए, दोनों एंगल दोनों ट्राइंगल में टेन थीटा सेम आएगा, वो लगा लो। यस सर। इसका एरिया कितना आ गया? इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ 3 × 3, कितना आ गया? 4.5 निकल के आ जाएगा। एरिया अंडर 80 कर्व, एरिया अंडर 80 कर्व होता है चेंज इन वेलोसिटी, v 3 सेकंड पर माइनस v 0 सेकंड पर, v 3 सेकंड पर माइनस v 0 सेकंड पर। तो इनिशियल वाली ये तो आपको दे रखा था 0, अगर याद होगा आपको बताया था मैंने t is equal to 0 पर वेलोसिटी, t is equal to 0 पर वेलोसिटी 0 दे रखी है। अगर 10 दी होती, अगर दी होती 10 तो यहां पर 10 पुट हो जाता, अगर दी होती 10 तो यहां पर 10 पुट हो जाता। तो v3 कितना निकल के आ गया है? 3 सेकंड पर कितना आ गया? 4.5 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर एरिया निकालेंगे तो फिर उसका ये v3 माइनस v0 आएगा। हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी जो 3 सेकंड पर है माइनस वेलोसिटी जो 0 सेकंड पर है, 3 और 0 मैं सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 0 सेकंड जो इनिशियल वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी देता है ना, एरिया क्या देता है? एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पर आएगी 3 सेकंड पर, 3 जो सबस्क्रिप्ट है वो बता रहा है कि 3 सेकंड पर, ठीक है, वो मैंने मान रखा है। आई बात समझ में?
अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये आया सर, 3 सेकंड पर वेलोसिटी है ये। अगर आपको 8 सेकंड का निकालना है, 8 सेकंड पर कितना है? 8 सेकंड का पूरा एरिया लेना पड़ेगा। अगर आपको 8 सेकंड पर निकालना है, t = 8 सेकंड पर मैंने बना दिया v की, कितना हो जाएगा v8। अब दो तरीके हैं, या तो आप 5 से लेके 8 तक का एरिया निकालो, 5 टू 8 निकालो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी, उसमें 5 सेकंड पर भी एक काम कर लो, इसमें एक और प्रॉब्लम जोड़ो, 5 सेकंड भी लिख लो, 5 सेकंड लिख लो, 8 सेकंड लिख लो, ये करो। तो 5 सेकंड पर कितना हो जाएगा भाई, 5 सेकंड पर बताओ, 5 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा v5 minus v0, ये कितना हो जाएगा हाफ बेस 5 हाइट 5, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला पूरा ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है, इसका पूरा एरिया लोगे, चेंज इन वेलोसिटी बताता है आपको। तो कितना हो गया है, ये चीज जीरो हो गई है, तो बी फाइव कितना आ गया, 12.5 आ गया आपका। हाँ भाई सबको क्लियर है, किसको डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बहुत बढ़िया। अब आपको t is equal to 8 सेकंड पर निकालना है, t is equal to अगर 8 सेकंड पर निकालना है, उसके लिए दो काम कर सकते हो आप, या तो पूरा जीरो से देख लो, या तो 0 टू 8 का एरिया ले लो, ठीक है, दो मेथड है, या तो आप v8 माइनस v0 कर लो, v8 माइनस v0 कितना हो जाएगा, v8 माइनस v0 कितना हो जाएगा, जरा ध्यान देना, हाफ 5 × 5 प्लस ये कितना आएगा 5 × 3 प्लस 5 × 3 निकल के आ जाएगा, कितना आगे 37.5 आ जाएगा यहां से। आई बात समझ में? इतना समझ में आया? इसके आंखें देखो जरा। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है आप v8 माइनस v5 करो, v8 माइनस v5 करो, यहां से यहां तक का देख लो, बस 8 सेकंड है, इतना देख लो, जब इतना एरिया देखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी v8 माइनस v5 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 3, ये हो जाएगा 5 × 3, ठीक है, v8 माइनस v5 कितना है, v5 आप निकाल चुके हो, 12.5। तो कोई तो स्क्रीन शेयर कर रहा है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कौन कर रहा है भाई? सर्वे शायद केमिस्ट्री का कुछ तो कर रहा है, क्या कर रहे हो भाई? हैं सर कुछ तो, कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कोई दिक्कत आ रही क्या, क्या बोलते हैं इसमें, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही तुम्हें, देख यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जा रही क्या उससे? हैं? अरे समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें क्लियर कट? अब शेयर जो कर रहा है उसके जो भी हेड है, ये क्लियर है? यस सर। एक बार वो लास्ट का बी पार्ट एक बार बताओ ना, मैं दिख नहीं रहा था। 37.5 क्या है, मैं कह रहा हूं आपको अगर 8 का निकालना है, आपको 5 का पता चल गया, तो इन दोनों के बीच में लगा सकते हो, इन दोनों का एरिया 27.5 होगा ना? हां सर, 15 प्लस, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 27.5 आएगा, ठीक है। हां आप इतना एरिया निकाल लो 5 और 8 के बीच का, इसका एरिया कितना आया, 15 आया। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी, v8 माइनस v5 रिप्रेजेंट करेगा, v5 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ऊपर से 12.5, तो वहां से भी 27.5 बन के आ जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो, पूरा यहां से लेकर यहां तक का कर लो,
तब यहां से लेकर यहां तक का करोगा तो v8 माइनस v0 आएगा सर। आई बात हाँ सर, हम ये क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं ना, हमें पता है कि t is equal to 5 पे 12.5 है और फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ, तो हर सेकंड में 5 ऐड करते जाएंगे बस। इसके आगे तो आप v is equal to u plus at लगा दोगे, यहां मत लगा ना, इसमें v is equal to u plus at लगेगा, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, इसके बाद तो लग जाएगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां नहीं लगा पाओगे। ठीक है, यहां से तो आप v = u + 80 लगा लोगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 है, तो 3 सेकंड में 15 बढ़ा देगा, 3 सेकंड में 15 बढ़ा देगा, तो 12.5 था उसका ऑलरेडी, यहां पर 15 और ऐड कर लो उसमें। अरे इतना समझ में आया? हाँ सर, एक बार नोट कर। हाँ नोट करो। अरे किसके स्कूल में था एग्जाम फिजिक्स का? हर्षल इसका था भाई। अरे टोटल नंबर कितने मार्क्स का था? 70। और कौन था स्कूल में, और कोई भी है साथ वाले कोई इस बैच में से? और कौन था भाई डीएवी वाले, और कौन है? साहिल कितना नंबर आए? जतिन सर मार्क्स नहीं दिए। क्या बात कर रहे हो, हर्षल के तो पता चल गए। क्या था वो, क्या आया था? खाली सिलेबस क्या था सर? सर सिर्फ टेस्ट हुए। अच्छा सिलेबस क्या था? मोशन इन अ प्लेन तक। क्या मोशन इन अ प्लेन तक? अबे तो मोशन इन अ प्लेन आता था तुम्हें? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आता। अरे यार स्कूल में जो पढ़ाते हैं स्कूल में तो यार 2-4 दिन में खत्म कर देते हैं, उससे तुम करके देख लो, उससे तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? याद रखना कल के दिन मान लो ग्राफ ये नीचे भी जाता तो नीचे का एरिया नेगेटिव लोगे, है ना, क्योंकि हमारा डीवी बनता है, डीवी आता है ए डी टी का इंटीग्रेशन, यहां से आता है आपका कहानी, आपकी यहां से चालू होती है। तो ये जो चीज देख रहे हो आप यहां पर, इसको देखो, ए जब इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन नीचे वाली चीजों को नेगेटिव लेता है, तो मान लो कल के दिन में नीचे का भी आपका कवर हुआ तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव का लेना। ठीक है, तो टोटल जो भी आएगा मिला के वो होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब इनिशियल आपने जो लिया है जहां से ले रखा है उस पर डिपेंड करेगा, जैसे इस प्रॉब्लम में किया मैंने, अगर वो 0 से ले रहे हो तो फिर टोटल लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कहीं 20 से लोगे, 5 से लोगे या फिर 10 से लोगे तो वैसा वैसा हो जाएगा, बाकी आपको अब प्रॉब्लम करनी है उससे आइडिया लग जाएगा। सर आपने v8 माइनस 12.5 इसलिए किया कि उससे सिर्फ 5 टू 8 मैंने v8 माइनस 12.5 नहीं कर रखा, मैंने v8 माइनस v5 कर रखा है सर, उसके v8 माइनस हाँ तो वो v5 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी? 12। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है इसलिए मैंने ये वाला लगाया, अगर मेरे को v5 नहीं पूछा होता तो मैं ये नहीं निकालता, और अगर ये नहीं निकालता v5 पता नहीं है मेरे को तो मैं ये वाले से करता, क्यों निकालूं भाई v5 बीच का जबरदस्ती क्यों निकालूं? ठीक है, तो आप शुरू से कर लो। चलो मैं यार मिटा रहा हूं इधर का, हम ग्राफ बना रहे हैं पीटी ग्राफ। ठीक है, अब देखो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ भाई वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, पहले वाले के लिए 0 से 5 सेकंड पर 0 टू 5 सेकंड, ठीक है, 0 से लेके 5 सेकंड में क्या हो रहा है?
एटी ग्राफ कैसा है? एटी ग्राफ है लीनियर। अगर एटी ग्राफ लीनियर है, याद है ना, एक्स वी ए, अगर ये लीनियर है तो ये क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा। क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा, अब क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा, चलो बताओ, मैं चाहूं तो आपका डायरेक्ट बता सकता हूं इसको। क्वाड्रेटिक बनेगा ऐसे करके बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग। क्यों क्यों भाई, क्या क्या चीजें मेरे को पता है, मैं बिना इक्वेशन के बता सकता हूं। वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है और कांस्टेंट होता तो भी वेलोसिटी बढ़ती। अब जरा समझो, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उससे मतलब नहीं अभी फिलहाल। अभी फिलहाल ये देखो, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ते ही जाएगी आगे को, वेलोसिटी बढ़ते गई, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। दिख रहा क्या हो गया यार, अब क्या दिक्कत आ गई, गायब हो गया क्या सब कुछ? ठीक है सर, हाँ सर आ गया, तो आपको पिन नहीं किया था इसलिए। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, इधर को बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगी, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी, ठीक है, तो बढ़ते जाएगी वेलोसिटी, बढ़ते जा रही है। इसका स्लोप, इसका स्लोप देखो, बढ़ने के लिए दो तरीके हैं, या तो ऐसे बढ़ेगी या फिर वेलोसिटी ऐसे भी बढ़ सकती है, ठीक है, ऐसे भी बढ़ सकती है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसका स्लोप धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वीटी ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन। तो ये तो बोल रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन कम होते जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो है, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन कम होते जा रहा है, जबकि केस क्या है, केस है एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ तो जे वाला आएगा, ग्राफ तो जे वाला आएगा। कहां तक आएगा, 12.5 तक। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, इसको दूसरे तरीके से कैसे बताता हूं, इस समय पर देख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये कैसी लाइन है, y is equal to m t plus c, जब लगाओगे c तो आपको जीरो दिखाई दे रहा होगा, बताओ इंटरसेप्ट कितना है इसका, y इंटरसेप्ट जीरो है कि नहीं है, हैं? यस सर। m क्या होता है, m होता है tan थीटा, tan थीटा देखो आपका जरा 5/5 करोगे 1 निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाएगा, तो a is equal to t की इक्वेशन है कि नहीं है, a is equal to इक्वेशन है। ए को आप लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो डीवी अपॉन डीटी, ए को लिख सकते हो डीवी अपॉन डीटी, क्योंकि ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, इसमें अपनी वो तीन इक्वेशन काम नहीं करेंगी, तो यहां से क्या करो, डीवी को लिख दो टी डीटी और इंटीग्रेट कर लो, क्या बनेगा, वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय टू, ऐसा करके कुछ कर्व आएगा। लेकिन अपने को पूरा कर्व बनाना नहीं होता है, इक्वेशन नहीं निकालनी है, ठीक है, आपको खाली चेक बताना है कि कर्व कैसा आएगा, चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करने हैं तो ये निकल के आ जाएगा। हाँ भाई, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कैसा आएगा, 5 सेकंड के बाद स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा करके आएगा, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 37.5 कितने का है, एक्सेलरेशन का रेट 5/5 25 और हाँ 37.5, कैसे किया भाई, यहां पर स्पीड आ गई थी 12.5, यहां पर स्पीड आ गई 12.5, उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, 5 के रेट से बढ़ा रहा है, तो 5 सेकंड में कितना बढ़ा देगा, 5 सेकंड में आपका बढ़ा कर दे देगा, 5 के रेट से बढ़ा रहा है तो 25 इंक्रीज कर लेगा, ठीक है, यहां पर स्पीड कितनी आ गई है, यहां पर स्पीड आ गई 12.5, उसके बाद स्पीड बढ़ने का रेट हो गया कांस्टेंट, 5 के रेट से बढ़ा रहा है, आप चाहे तो u plus at लगा लो, उसके बाद आपका v is equal to 12.5 plus acceleration constant है, इस बार स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ऐसे करके कहां तक जाएगा,
यहां तक जाएगा, 10 सेकंड पर इसकी स्पीड आ जाएगी 37.5। आज के लिए इतना ही है, बहुत हो गया। ओके सर, ठीक है, होते जाएगा, किसी को डाउट है पूछ लो, नहीं तो निकलते जाओ, लिखो और निकलते जाओ। सर हाँ सर, एक बार वो 5 to 10 वाला फिर से बता। 5 to 10 में एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, कितना है 5 है, तो वीटी कर्व क्या आएगा, वीटी कर्व क्या आएगा, लीनियर आएगा, कुछ समथिंग इनटू टी का आएगा प्लस कुछ ये, लेकिन टी का लीनियर फंक्शन आएगा, आएगा। और एक्सेलरेशन का मतलब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। पहली बात तो लीनियर आएगा, हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का बदलाव करेगा, हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का बदलाव करेगा, तो 1 सेकंड में कितने का बदलाव करेगा, 5 का, तो 5 सेकंड में कितने का बदलाव कर लेगा, 25, क्योंकि बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ही है, बढ़ते जा रही होगी वेलोसिटी, बढ़ते जा रही होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, शुरू में एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है, बाद में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी तो बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी वेलोसिटी, तो यहां से किस रेट से बढ़ेगी, कांस्टेंट रेट से, यहां से वेलोसिटी के बढ़ने का रेट भी वेरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, शुरू में बहुत तेजी से बढ़ेगी, शुरू में बहुत तेजी से बढ़ते जाएगी, ठीक है ना, बहुत तेजी से नहीं, रुको ना, शुरू में नहीं, शुरू में कम रेट है ना, एक्सेलरेशन कम आ रहा है, ठीक है, शुरू में हल्के बढ़ेगी, इसके बाद यहां से तेजी से बढ़ते जाएगी, आप यहां से रेट फिक्स हो गया, ये देखो यहां से रेट फिक्स चल रहा है आपका, 5 से चल रहा है, तो 5 सेकंड में 25 बढ़ा देगा, 25 बढ़ा देगा, ऑलरेडी यहां तक हमारी स्पीड आ चुकी है, वेलोसिटी आ गई 12.5। सर आपने इक्वेशन कैसे बनाया, इक्वल टू 12.5 प्लस 5t, कहां बना दिया मैंने इक्वेशन, कहां बनाई ये वाली, यस सर, यहां पर स्पीड कितनी है, इतने के लिए ग्राफ, इस ग्राफ के लिए ये बनेगा u, u कितना है 12.5, u कितना है 12.5, है ना, इतने पार्ट के लिए इनिशियल हो जाएगा, आई बात समझ में, यस सर, a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 5, t कितना हो जाएगा, t में भी वैसे एक चीज है, t को भी अगर आप देखो एक्सेलरेशन 5 है कि नहीं है, ये देखो पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 5, ठीक है, वैसे तो आप एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, हाँ t आप यहां से देख रहे हो, ये t यहां से कंसीडर होगा, फिर इसके आगे की कहानी है, t ओरिजिन से मत ले लेना, ये जो t आएगा इसमें, ये t की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा, ये t 5 से चालू होगा, ठीक है, यानी 5 से चालू होगा मतलब जब इसको जीरो रखोगे तो 12.5 आएगा, क्योंकि इतने मोशन के लिए ना, इतने मोशन के लिए है आपका, सिर्फ डाउट होगा तो आपको पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, कल लेक्चर है ना तुम्हारा, अरे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसमें आएगी डाउट, ठीक है, तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, ग्राफ वाला चीज कुछ हद तक हो गया, कुछ हद तक और कर लेना है हमें, आप करो, देखो हो गया वैसे आपका, करते जाओ प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आएगी कल हम डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है, सब पे मैं सोच रहा हूँ खत्म कर लूँ इसको, काइनेमेटिक्स को, मतलब ये रेक्टिलिनियर को। जूबिया समझ में आया? Yes, sir. आकांक्षा, आकांक्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा लग रहा आजकल, अरे फिजिक्स में पढ़ाई तो नहीं करनी होती, सबसे बढ़िया बात है फिजिक्स में, फिजिक्स में क्लास में जो है बस
क्लास में ही है, सारी चीजें क्लास में है, बाकी अपना एक्सरसाइज वन करो, डीपीपी करो, सॉल्व एग्जांपल करो, फिर उससे लेवल बनेगा कुछ, उससे लेवल बन गया फिर एक्सरसाइज टू में करो। अरे बन जाता है यार बस, ये ऐसा नहीं होता कि गिव अप कर दो, होमवर्क नहीं होगा क्योंकि कल एग्जाम है ना स्कूल में। क्या होगा? कल केमिस्ट्री का एग्जाम है ना स्कूल में, तो फिर शायद होमवर्क नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, अरे कर लेना यार, क्लास में समझ में आ रहा है जब तक कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना। वैसे भी एक दिन में करके फिजिक्स को कुछ नहीं होता, रेगुलर करते रहना पड़ेगा। ठीक है सर। आईपीएल कौन बजा रहा है भाई?